दोस्तों, जब अच्छी बॉडी मतलब मस्कुलर कटदार वी से बॉडी बनाने की बात आती है तो लोग एक्सरसाइज की तरफ ज़्यादा भागते हैं। ये सही भी है, एक्सरसाइज करेंगे तभी तो मस्कुलर बॉडी बना पाएंगे। लेकिन जरा रुकिए भाई, क्या आपने कभी बॉडी बिल्डिंग पर थोड़ी बहुत रिसर्च की है? क्या आपने किसी बॉडी बिल्डर से पूछा है कि उन्होंने इतनी तगड़ी बॉडी कैसे बनाई है? शायद नहीं दोस्तों। इसलिए आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। दोस्तों, आपको मैं बता दूँ, बॉडी बनाने के लिए सबसे ज़रूरी पहली चीज़ एक्सरसाइज नहीं है बल्कि आपकी डाइट है। एक्सरसाइज दूसरे नंबर पर आती है। दोस्तों, अच्छी बॉडी बनाने के लिए एक अच्छी डाइट बहुत ज़रूरी होती है। दोस्तों, अगर आपने अच्छी डाइट के बारे में जान लिया तो बहुत जल्दी आपकी बॉडी गारंटी के साथ बन जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक अच्छी डाइट के बारे में आपको बताऊंगा और उस डाइट को कब और कैसे लेना है ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और एक्सरसाइज के बारे में आपको दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप बॉडी बनाने की ख्वाहिश रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन नहीं दबाया तो आप दूसरी वीडियो मिस कर जाएंगे और आपकी बॉडी नहीं बन पाएगी। तो दोस्तों, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आते हैं अपनी पहली डाइट पर। पहली डाइट है अंडा। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा अच्छा बॉडी बिल्डर होगा जो अंडे ना खाता हो। जब भी बॉडी बिल्डिंग की बात आती है तो अंडे का नाम टॉप 5 फूड्स फॉर बॉडी बिल्डिंग की लिस्ट में आता है। अंडा आसानी से हर जगह उपलब्ध भी हो जाता है और अंडे खाना आपके बजट से बाहर भी नहीं होता। दोस्तों, आपको हर रोज कम से कम 5 अंडे जरूर खाने चाहिए। दोस्तों, बढ़िया मतलब मस्कुलर बॉडी बनाने के लिए कम से कम 5 अंडे प्रतिदिन खाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, 3 अंडे सुबह नाश्ते में खाना है और 2 अंडे शाम को एक्सरसाइज के बाद जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, अंडे से आपको बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन प्राप्त होता है। एक अंडा खाने से आपको लगभग 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाती है। दोस्तों, अंडे के पूरे प्रोटीन का 80% हिस्सा उसके सफ़ेद वाले भाग में होता है। दोस्तों, इसीलिए बॉडी बिल्डिंग के लिए अंडा बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, अब आते हैं अपनी दूसरी डाइट पर। दूसरी डाइट है केला मतलब बनाना। दोस्तों, ज़्यादातर लोग जो बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत करते हैं उनका स्टेमिना बहुत कम होता है, जिस वजह से वो लोग वर्कआउट करते समय बहुत ही जल्दी थक जाते हैं। इसलिए जो लोग बॉडी बिल्डिंग की अभी शुरुआत कर रहे हैं उन्हें शुरू में 60 दिन तक रोज कम से कम 2 से 3 केले लेने बहुत ज़रूरी हैं। हो सके तो एक केला आप अपना वर्कआउट शुरू करने से 15 मिनट पहले खा लें दोस्तों, क्योंकि केला तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है और इसकी ऊर्जा आपके वर्कआउट में अहम भूमिका निभाती है। अगर आप बहुत दुबले पतले हैं और अच्छा शरीर बनाना चाहते हैं तो केले आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं। अगर आप पहले से ही ज़्यादा मोटे हैं तो ज़्यादा केले ना खाएं। दोस्तों, अब आते हैं अपनी तीसरी डाइट पर। तीसरी डाइट है शकरकंद। दोस्तों, आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि अगर आप दुबले पतले हैं तो आलू उबालकर खाएं। लेकिन आपको मैं बता दूं, अगर आप आलू की जगह शकरकंद खाएंगे तो आप बहुत ही जल्दी अपना वजन बढ़ाकर अच्छी मस्कुलर कटदार बॉडी बनाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों शकरकंद विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है और इसमें फाइबर एवं मैग्नीज उचित मात्रा में पाए जाते हैं जो आपकी मस्कुलर बॉडी बनाने में बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं अपनी चौथी डाइट पर। चौथी डाइट है बादाम, अखरोट और काजू। दोस्तों, बॉडी बनाने के लिए फूड्स में अगला नाम आता है बादाम, काजू और अखरोट का। इन तीनों से ना सिर्फ आपको बढ़िया क्वालिटी का प्रोटीन मिलेगा बल्कि आप अपनी चर्बी को भी कम कर पाएंगे। आप इन्हें कभी भी खा सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको प्रोटीन के साथ साथ फास्फोरस, फाइबर और हेल्दी फैट प्राप्त होती है जो आपकी बॉडी बिल्डिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है। दोस्तों, अब आते हैं अपनी पांचवी डाइट पर। पांचवी डाइट है चना। दोस्तों, चना बहुत ही ताकतवर होता है, उसमें पौष्टिक तत्व कूट कूट कर भरे होते हैं।
चने में प्रोटीन की कोई भी कमी नहीं होती है। ये हमारे शरीर को लचकदार बनाने का काम भी करता है, जिससे आपकी मसल्स जल्दी बढ़ने लगती है, जिससे आपकी मसल्स बहुत कम समय में ब्रॉड मतलब चौड़ी बनने लगती है। चने में काफ़ी मात्रा में फाइबर भी पाया जाता है, जो आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। नियमित रूप से चने भिगोकर खाने से आपको भरपूर शक्ति मिलती है। काला चना और भी ताकतवर होता है, इसलिए आप कोशिश करें कि काला चना ही लें। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, चने खाने से बहुत ही कम समय में हमारा स्टेमिना काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और बॉडी बिल्डिंग में आसानी रहती है। दोस्तों अब आते हैं अपनी छठवीं डाइट पर। छठवीं डाइट है टोफू। दोस्तों आपने जोहन अब्राहम का नाम जरूर सुना होगा, ये अपने समय के बॉडी बिल्डर में से एक थे। दोस्तों टोफू इनकी बहुत ही फेवरेट डाइट थी। दोस्तों बढ़िया बॉडी बनाने के लिए टोफू खाना बहुत ज़रूरी होता है। इसको खाने से आपकी मसल्स रिकवर में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। दोस्तों 100 ग्राम टोफू खाने से लगभग 75 ग्राम कैलोरी मिलती है। ये मांसपेशियों के विकास के लिए और बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए दोस्तों टोफू को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। दोस्तों अब आते हैं अपनी लास्ट डाइट पर। लास्ट डाइट है मछली। दोस्तों मछली खाना आपकी बॉडी बनाने की प्रोग्रेस को बहुत तेज बना सकता है। दोस्तों मछली में सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व तो मिल जाते हैं। खासकर सलमोन मछली का नाम आपने जरूर सुना होगा, जो कि बॉडी बिल्डिंग करने वालों की सबसे पसंदीदा भोजन होती है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। यही नहीं, इसमें विटामिन बी, ओमेगा 3 और DHA भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो आपकी बॉडी बनाने में काफ़ी कारगर हैं। ये थे कुछ बेहतरीन मसल्स यानी बॉडी बनाने वाले आहार, जिनका उपयोग करके आप काफ़ी कम समय में एक अच्छा मस्कुलर कटदार बॉडी बना सकते हैं। दोस्तों एक बात अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि अगर बॉडी बनानी है तो दिन में हर 2 घंटे से 2.5 घंटे के अंतराल में कुछ ना कुछ हेल्दी डाइट लेनी ही होगी, तभी आपकी अच्छी बॉडी बन पाएगी। दोस्तों एक्सरसाइज वाली वीडियो मैं जल्द ही इस चैनल पर रिलीज करूंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर देना लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा देना। हम मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।